किशोर का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल है। पटना के बापू सभागार में प्रशांत किशोर ने लोगों के बीच ऐसा जोश भरा कि सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो गया। जय जनसुराज के हुंकार के बीच पीके ने बिहार के लिए बड़ा ऐलान किया, साथ ही साथ अपने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। क्या प्रशांत किशोर बिहार की राजनीति में कोई बड़ा कमाल कर पाएंगे? सोशल मीडिया पर इस वीडियो के बाद से चर्चा और जोर पकड़ रही है, क्योंकि पार्टी के रूप में जनसुराज 15 अगस्त को बिहार के सामने होगी। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि बिहार के लिए ये पार्टी तमाम पार्टियों के सामने किस तरह से चुनौती पेश करती है। वहीं प्रशांत किशोर ने एक बड़ा दावा भी किया, सुनिए प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। 2 तारीख को प्रशांत किशोर दल नहीं बना रहे हैं, 2 तारीख को बिहार के 1 करोड़ लोग एक साथ आकर अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए बिहार में लालू नीतीश और भाजपा के जो पिछले 30 साल का जो राज रहा है उससे मुक्ति के लिए, अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, उनके रोजगार के लिए, पलायन को रोकने के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए बिहार के लोग मिलकर ये दल बना रहे हैं। प्रशांत किशोर की भूमिका जो पहले थी वो आज भी है, फर्क बस इतना ही है कि पहले मैं दल और नेताओं को मदद करता था, उनको सलाह देता था, उनको बताता था कैसे चुनाव लड़ना है, कैसे संगठन बनाना है, कैसे कैंपेन करना है, काम मैं वही कर रहा हूँ। अब फर्क इतना ही है कि दल और नेता को छोड़कर हम बिहार की जनता को ये सलाह दे रहे हैं। और जो आप देख रहे हैं अभी 28 तारीख को यहाँ बैठक हुई, आज बैठक है और ऐसी 7 बैठकें होंगी जो 1.5 लाख से ज्यादा लोग जो इसमें सक्रिय भूमिका में हैं, या यूथ क्लब चला रहे हैं, संगठन चला रहे हैं, वो लोग जुटेंगे, बैठेंगे और 2 तारीख को सब मिलकर 1 करोड़ सदस्यों के साथ इस दल की नींव रखी जाएगी, जो अपने आप में इस देश के इतिहास में पहली ऐसी घटना होगी जब दल बनने से पहले, दल बनाने के बाद लोग जुटाने वो अलग बात है, यहाँ 1 करोड़ बिहार के लोग मिलकर दल बना रहे हैं, वो पहली ऐसी घटना होगी और 2 तारीख को आप उसको देखेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट बिहार तक।